नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं केडी के बारे में। जी हां दोस्तों, केडी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई। यहां पे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि केडी क्या है, केडी कैसे चेक करते हैं, केडी का यूज क्या होता है और केडी का फुल फॉर्म क्या होता है, केडी क्या क्यों मायने रखती है सबसे ज्यादा गेम प्ले में, और केडी के बिना आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं हो पाते हैं, क्यों लोग केडी को ही सब कुछ मानते हैं दोस्तों। तो सब जानकारी आज आपको इस वीडियो में वाली केडी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को आपको एंड तक देख लेना है दोस्तों। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आगे के नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनका लाभ उठा सके दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं शार्ट आउट दे देता हूं टॉप 10 कमेंट्स को, जो कि मेरे पिछले वीडियो के हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो में यार बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक्स यार, लव यू हो गया दिल से यार, मजा आ गया भाई। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और ज्यादातर सब लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज का शार्ट आउट स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो पहला शार्ट आउट जाता है संजय जी को, और दूसरा शार्ट आउट जाता है अब्दुस जी को, तीसरा शार्ट आउट जाता है दीपक जी को, और चौथा शार्ट आउट जाता है सलीम जी को, और उसके बाद नेक्स्ट जो शार्ट आउट जाता है वो जाता है सबाना जी को, नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है पवन जी को, उसके बाद नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है रोहित जी को, उसके बाद नेक्स्ट जो शार्ट आउट जाता है हरियाणा ऑन टॉप को जाता है, उसके बाद नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है डार्लिंग पवन को, उसके बाद नेक्स्ट शार्ट आउट जाता है इम्मा नूर जी को। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ लकी टॉप 10 कमेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉप 10 कमेंट्स है पसंद आए होंगे भाई। इनकी लिस्ट मैंने साइड में आपको दिखा दी है, मेंशन कर दिया। कमेंट करने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स है मेरे भाई, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रही अपने भाई के साथ। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं कि भाई केडी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं केडी। केडी देखने के लिए आपको अपना पबजी मोबाइल लाइट ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा, ये देखिए सेटिंग के नीचे आपको ये जो आपकी प्रोफाइल दिख रही है, इस प्रोफाइल के बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पर आपको ये मिल जाएगी, ये स्टैटिक का ऑप्शन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पे आपकी आपको केडी दिखाई देगी, जैसे ये देखिए मेरी केडी यहां पे दिख रही है आपको 7.83, ठीक है। तो ये यहां पे आपकी भी केडी दिख रही होगी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, जो भी आपकी केडी हो। तो ये केडी मायने इतना क्यों रखती है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। मायने इसलिए रखती है क्योंकि केडी का मतलब होता है आप एक गेम में कितने किल करते हो, मतलब चिकन डिनर ही नहीं जरूरी होता है, मतलब आप लास्ट तक कितने किल करते हो उसका एवरेज यहां पे दिया जाता है, कि अगर आपने 100 गेम खेले हैं और 100 गेम में आपने कितने किल किए हैं, हर गेम में कितनी बार में आप किल हुए हो, वो सब चीज का यहां पे एवरेज दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये केडी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप में या फिर किसी स्क्वाड में जाना चाहते हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केडी देख के ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि मेन चीजें केडी ही जरूरी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो उनके घर में या कहीं पर भी, तो बार बार किल हो रहे हो। तो मेरी भी केडी अभी देख सकते हैं कितना डाउन हो गई है, क्योंकि भाई मैं भी जब बाहर जाता हूं तो वहां पे नेटवर्क का इशू होता है, तो मैं हो सकता है 10-12 मैच खेलूं उसके बाद कॉफ, फिर हो सकता है कि मैं 10-12 मैच में कॉफ, हो सकता है एक ही दो ऐसे मैच हो जिनमें चिकन डिनर हो, बाकी सब में किले होता रहा हूं, क्योंकि आधे से ज्यादा नेटवर्क इशू का मैं किल हो जाता हूं, आधे से ज्यादा ऐसे चले जाते हैं। तो यह होता है दोस्तों केडी। केडी यहां पर आपकी शो करती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, और केडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको मेंटेन करके रखिए, बहुत ही चीजों में इसको फायदा होगा। केडी सबसे जल्दी किस में बढ़ती है, अगर आप लगातार चिकन डिनर लेते रहते हैं, मतलब आपको अगर केडी अपनी मेंटेन रखनी है तो आपको पता चल जाए, जैसे अब यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 का मतलब ये है कि मैं एक औसतम, मतलब एक एवरेज होता है, ठीक है, एक एवरेज ये है कि मुझे हर मैच में अगर मैं 7 किल से ऊपर करता हूँ तो मेरी केडी डाउन नहीं होगी और बढ़ेगी, अगर 7 किल से मैं नीचे करूंगा किल तो मेरी केडी डाउन होती चली जाएगी। तो मुझे ये चीज, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अब जब भी मैं मैच खेलूँ या जितने भी मैच खेलूँ उसमें मेरे किल जो है 7 के ऊपर ही हूँ, अगर 7 के ऊपर मेरे किल रहेंगे तो केडी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, हर मैच में, भले आप किल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आप किल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, केडी आपकी मेंटेन रहेगी, लेकिन आपको लास्ट तक आपको 7 किल से ऊपर रखने हैं। जैसे मैं आप 7 किल से ऊपर रखूंगा ना तो मेरी केडी ऐसे इंक्रीज होती रहेगी दोस्तों। आपको भी अपनी केडी चेक कर लेना, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि जब बंदे हमारे साथ खेलते तो हमसे हमारी केडी मांगते हैं, भाई आपकी केडी कितनी है। अब बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते भाई केडी होती क्या है, कहां से देखी जाती है, तो ये चीज मैंने इसीलिए इस वीडियो में बता दी है। उम्मीद है आज की वीडियो में देखने के बाद आपको केडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसे बढ़ानी है वो भी मैंने बता दिया है आपको, लगातार ज्यादा ज्यादा किल करने हैं आपकी केडी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और हाँ, जो लोग ये करते हैं ना कि आधा गेम खेलते बीच से छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ना किया करें, बहुत केडी डाउन होती है इससे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको केडी से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी सभी के सभी सॉल्व हो गए होंगे। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आ गया लाइक शेयर कर दो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। फिलहाल तो पुराने जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उनसे मुझे उन पर इतना भरोसा है कि वो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग और कूल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।